नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और बंसल न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आईपीएल पर हमारा ये डिस्कशन है वो लगातार जारी है। राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी के मैच की हम बात करेंगे। संजू सैमसन जो है वो कप्तानी करेंगे राजस्थान रॉयल्स की और केएल राहुल जो है वो कमान संभालेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स जो है एक बार की चैंपियन है, पहला उन्होंने सीजन जीता था, उसके बाद से अभी तक कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है राजस्थान की ऐसी उम्मीदें थी। एक लंबा अंतराल हो गया है ये 16 वर्षों का। संजू सैमसन इस बार क्या राजस्थान को आगे तक का सफर तय कराने में कामयाब रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? राजस्थान टीम्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। राजस्थान टीम्स ने जो आगाज किया था, आईपीएल का जो आगाज हुआ था, तो उसमें सेन बार्न इस टीम के कप्तान हुआ करते थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और पहला टाइटल जो है राजस्थान रॉयल्स को जिताया था। उसके बाद टीम लगातार अच्छा करती रही है परफॉर्मेंस। उस टीम से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, जैसे रविंद्र जडेजा जो हैं, जो आजकल सीएसके में धोनी की टीम से खेल रहे हैं, वो पंजाब किंग्स के ही खिलाड़ी हैं। अब आप बात करते हैं संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन जो है वो उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जाने माने खिलाड़ी हैं और बड़े मैचों में बड़ा स्कोर करते हैं, वो अच्छा करते हैं। इसके अलावा इनके साथ में, इस टीम के साथ में यशस्वी जायसवाल हैं, चहल है, आर अश्विन है, तो टीम एक अच्छी। यशस्वी की बात की, एक टाइम था जब राजस्थान का सारा फोकस जो है संजू सैमसन पर रहता था, वो सुपरस्टार थे, लेकिन इस सीजन में सैमसन सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं है राजस्थान के। यशस्वी जायसवाल जो है अब सबसे बड़े स्टार है राजस्थान के लिए और उन पर ज्यादा नजरें रहेंगी। सैमसन के साथ एक इमोशनल कनेक्ट तो था, लेकिन यशस्वी जाहिर तौर पर एक बड़े खिलाड़ी है। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर पिछली इंटरनेशनल सीरीज में जो है सीरीज में और टेस्ट सीरीज में यशस्वी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के तोड़े हैं, तो पंजाब को उन पर बहुत भरोसा है। वो पंजाब को जो है ना, एक टीम को जो है अच्छा करेंगे। इसके अलावा अश्विन जो है, चहल है और साथ में जोस बटलर है, शुभम बहुत अच्छा, अभी रणजी टीम जीती है मुंबई, तो शुभम की बदौलत ही जीती है। गेंदबाजी में भी धार है, ट्रेंट बोल्ट उनके पास है काफी। राजस्थान की टीम काफी मजेदार है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पंजाब के साथ में, कि पंजाब की टीम से हमारे एक एमपी के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, आवेश खान, राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं, आवेश खान खेल रहे हैं, तो हम लोग आवेश को लेकर भी देखेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हालांकि पिछले मैचों में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ आवेश खान का लगातार इंटरनेशनल मैचेस में भी भारत की तरफ से काफी मौके मिले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उस तरह से आवेश नहीं आए। कृष्णा के पास आऊंगा, कृष्णा एलएसजी की बात करेंगे। केएल राहुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एलएसजी का आईपीएल के दौरान अभी तक, जिस तरह गुजरात ने ट्रॉफी जीती उस तरह तो नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, प्लेऑफ्स में लगातार आए हैं और ये वो टीम है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है अपनी, और माना जा रहा है कि ये जल्द ही आने वाले सीजन में या इसी सीजन में हो सकता है कि आईपीएल का खिताब अपने नाम कर ले। तो आपको क्या कैसे आप इस चीज को बढ़ाएंगे? बिल्कुल, लखनऊ के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, साथ ही गेंदबाज भी बहुत अच्छे हैं। अगर बात की जाए टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में, तो केएल राहुल हैं, उनके साथ क्विंटन डिकॉक हैं। आपने अगर वर्ल्ड कप में देखा होगा, वनडे वर्ल्ड कप में, तो क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते थे और उनका जो मतलब शुरुआत जो रहती थी वो मैच के दौरान वो बहुत अच्छी रहती थी और फिर पूरी टीम को, साउथ अफ्रीका को, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए मजबूती देते थे। तो मुझे लगता है केएल राहुल के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद हैं दीपक हुड्डा हैं साथ में हमारे, काइल मेयर है, स्टॉइनिस है, स्ट्राइकर काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन आप आरआर को भी कमजोर नहीं आ सकते। आरआर के पास चहल है, अश्विन है जो इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, चहल भी हमारे पास, प्लस साथ ही आरआर के पास सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में दम दिखता है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो बल्लेबाजी काफी हद तक ठीक है, लेकिन जब हम गेंदबाजी की तरफ देखते हैं तो गेंदबाजी में मुझे देखा जाए तो रवि बिश्नोई जो बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेंदबाजी में उन्हें और एक कुछ अच्छे प्लेयर्स खरीदने चाहिए थे, जिसकी वजह से लखनऊ थोड़ी सी पहले से मुझे कमजोर दिख रही है। नवीन उल हक हैं, लेकिन उनका उनकी गेंदबाजी में मुझे उतनी धार नहीं दिखती। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी गेंदबाजी में पहले से सुधार भी आया है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो उतना इंपैक्ट डाल पाएंगे गेम पर। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लखनऊ के मुकाबले राजस्थान
बेहतर टीम और मजबूत टीम दिखती है। हाँ, संजू सैमसन की कप्तानी और केएल राहुल की कप्तानी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम टीम की कमान जिसके हाथ में होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग वे में खेलता है। क्योंकि आप देख लीजिए सीएसके की बात करें, सीएसके के पास उतनी तेज धार गेंदबाजी नहीं है, बल्लेबाजी उनके पास बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ युवा कप्तान और उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी, तो हमें कहीं ना कहीं कैप्टेंसी के पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो लखनऊ के पास कैप्टेंसी बहुत बेहतर है। वहीं अगर संजू सैमसन की बात करें तो मैं उनके साथ थोड़ा सा नहीं जाऊंगा। मुझे संजू सैमसन जब भी मैंने भरोसा करने की कोशिश की है तो संजू सैमसन उतना बेहतर नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन उसके बाद के जो बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं तो राजस्थान कहीं ना कहीं लखनऊ पर भारी पड़ती है। दो खिलाड़ी हैं, अगर प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है राजस्थान के जानिब से जो है ध्रुव जुरेल और लखनऊ की तरफ से जो है देवदत्त पडिक्कल, दोनों हालिया टेस्ट सीरीज के स्टार रहे हैं, दोनों ने काफ़ी अपने परफॉर्मेंस से जो है लोगों को उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही थी टेस्ट सीरीज में तो वो दोनों खिलाड़ी अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो उनकी तरफ जो है कहीं ना कहीं ध्यान होगा। बहरहाल मधुली का LSG और जो मैच है RR के दौरान, आप तो खुद राजस्थान से आती हैं तो किसे आप सपोर्ट करेंगी और किसका पक्ष आपको लगता है कि बेहतर है? कृष्णा सर ने बोला कि जो RR की टीम है कंपैरेटिवली LSG से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि LSG के पास 8 नंबर तक बैटिंग जरूर है लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो पीछे हो रहे हैं, लेकिन जो RR की टीम है उनके पास बैटिंग भी है, अश्विन चहल जैसे नाम भी है, तो वो तो अब कल का मैच ही बताएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। जाहिर सी बात है मैं राजस्थान से, और सबसे बेहतर बात हमारे इंदौर से आवेश खान भी है इंदौर से, तो जाहिर सी बात मैं राजस्थान से हूँ, मैं सपोर्ट जरूर RR को ही करूंगी, बट हाँ कल का मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है, देखना होगा कि कौन सी टीम क्या कमाल दिखाएगी। तो देखिए ये जो मैच है राजस्थान और लखनऊ का, इस पे हमारी भी नज़रें हैं, आपकी भी नज़रें बनी हुई हैं और ये एक मज़ेदार मैच होगा क्योंकि दोनों ही टीमें, ये नहीं कहूँगा कि टूर्नामेंट की फेवरेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़ी टीमें हैं उनके मुकाबिल कहीं ना कहीं थोड़ा कम आंका जाता है, लेकिन लखनऊ की परफॉर्मेंस जब से ये टीम बनी है तब से बहुत बेहतर रही है और राजस्थान तो खैर पहले सीजन की चैंपियन है और संजू सैमसन की कप्तानी में और यशस्वी के टीम में आने के बाद वो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, आप जो है बने रहिए बंसल न्यूज़ डिजिटल के साथ और बाकी मैचेस पर भी हमारा डिस्कशन जो है वो जारी रहेगा। नमस्कार।